शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कॉलेज में दाखिला कराने जा रहे थे तुम? जी ताऊ जी, आज से एडमिशन शुरू है, हम बस थोड़ी देर में जा रहे हैं। उसको रोकने का इलाज हम पहले ही सोच लें। अम्मा को पकौड़ी खानी थी, रसोई में बेसन नहीं मिल रहा है। यही होना चाहिए। राम 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 राम। श्रवणी, श्रवणी उठो ना, श्रवणी श्रवणी उठो ना श्रवणी। यार अरे राम, हम तो सोचे थे कि छोटी मोटी चोट लगेगी, ये तो बेहोश हो गई। हमको कुछ तो करना पड़ेगा। श्रवणी, अरे श्रवणी बेटा, कहाँ रह गई तुम? अरे चलना नहीं है क्या श्रवणी? हे भगवान, श्रवणी की ताऊ जी आ रहे हैं, उन्होंने श्रवणी को ऐसे देख लिया तो कहाँ रह गई? श्रवणी, ए श्रवणी, श्रवणी, अरे कहाँ चली गई? श्रवणी, क्या नाम है तुम्हारा? स्नेहा। हाँ, जो भी नाम है। वो श्रवणी को देखा? जी वो क्या नीचे दिखी नहीं हमको, ऊपर आई थी क्या? नहीं, हमने नहीं देखा ऊपर। महाराज जी, कब से ये भगवान को खोज रहे? चलो ले, चलो ले, चलो। ये तेल किसने गिराया यहाँ? सब कुछ हमको ही साफ करना पड़ता है। था नहीं, कहाँ रह गई? बाल बाल बच गए। इसके पहले कि दोबारा पकड़ी हो जाए, हमको जाके उस श्रवणी को भगोने से निकालना पड़ेगा। हम चाहते हैं भगोना, भगोना कहाँ चला गया? श्रवणी, रखो यहाँ पे, यहीं पे रखो, यहीं पे। महाराज जी, आपने जो भगोना मंगाया था वो आ गया। चाशनी के लिए चीनी और पानी मिला लिया है ना? हाँ जी मिला लिया। तो देखते क्या हो, चढ़ाओ चूल्हे पर। चलो 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 चलो, चलो। श्रवणी, श्रवणी, कहाँ चली गई श्रवणी? कॉलेज जाना है कि नहीं? क्या हो गया भैया? अरे श्रवणी मिल नहीं रही है, उसे कॉलेज जाना था, पता नहीं भी। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या हुआ भगवान जी? वो श्रवणी कहीं नहीं मिल रही है। इसमें तो हमारा कोई हाथ भी नहीं है, फिर कहाँ लापता हो गए? लाइटर किधर है? लाइटर महाराज जी यहीं कहीं रखे थे। किसी काम के नहीं हो तुम सर। महाराज जी, लाइटर तो नहीं है, ये माचिस है। ये क्या है?
हमने ठाकुर जी के सिंगार और पोशाक भी मंगवा दिए हैं। अच्छे से ठाकुर जी को सजा देना, कल जन्माष्टमी है। क्या हो गया, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? हाँ, वो श्रवणी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कोई नई बात नहीं है, पाव तो हमेशा हवा में ही रहते हैं बहू के। गई होगी अफसरी झाड़ने। देखो बिटिया को खूंटे से बांध के रखना चाहिए। अम्मा जी, हमारे यहाँ बेटियों को गाय गोरू की तरह खूंटे से बांध के नहीं रखा जाता। जबान ना लड़ाना, बिटिया के ददिया सास हैं हम। अच्छा नहीं किया ये, बताओ हमारी बीवी हमको धोखा दे गई, और यहाँ से कैसे निकले? कोई है? कोई है? अरे खोलो! अरे कोई है बाहर? अबे यार, एक बार दरवाजा खोल ले तो, इस बीबी को तो हम बताएंगे। अबे है कोई? अबे कोई है बाहर? शिवांश, उसी की तो आवाज है। पर श्रवणी ना आ धमकती तो आज ये चलता फिरता एटम बम हमारा होता। हाँ ठीक है, इसकी दादी थोड़ी टेढ़ी है, लेकिन इसके लिए उनको भी हैंडल कर लिए होते। अरे, ऐसे क्या देख रही हो? कसम से हमसे शादी की हो तो तो क्या, छोड़ो हमें। अरे छोड़ो यार, शादी करेंगी ये। क्या बवाल है ये? मम्मी, अरे क्या हो गया? दर्द हो रहा है, उठाओ मैं, उठाओ। अरे 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 छोड़ो यार, अरे हटो यार, पति है तुम्हारी बहन के। होगे तुम उसके पति, पर वो थोड़ी ना तुम्हें पति मानती है। लेकिन हमारे पास तो अभी भी चांस है। चलो चलाते हैं कोई चक्कर और तुम्हें अपना बनाते हैं। क्या हुआ बेटा? श्रवणी नहीं मिल रही है। श्रवणी? वो तो कॉलेज गई होगी ना। अरे वो हमारे साथ कॉलेज जाने वाली थी, लेकिन भंडार से तो वो कब की निकल गई थी, फिर कहाँ गई? हे भगवान, सारे भगोने छान मार लियो, पता नहीं श्रवणी जिसमें थी वो भगोना कहाँ चला गया। हुआ जल कौन रहे है? ये तो आम है, लो ये तो खाली हो गया। अरे गैस खत्म हुई, गवाए दूसरा लेकर आओ। इधर आ। छुटकी, तुमने देखा भाभी को कहीं? भैया को सच पता है तो बहुत डांटेंगे। इसको पक्का कुछ ना कुछ पता है, शक्ल देखो इसकी। चल बढ़िया है, श्रवणी की जिंदगी में आग लगाने के लिए लोगों की कमी नहीं होगी।
यार ये माचिस नहीं जल रहा है, ए, दूसरा माचिस है क्या? जी ले आए। हे ठाकुर जी, कल आपका जन्मदिन है। श्रवणी हर साल बड़ी धूमधाम से आपका जन्मदिन मनाती है, उस पर कृपा रखिएगा ठाकुर जी, उस पर कृपा करिएगा। जी क्या लाया ये? अगर पकड़ बेटा, ठाकुर जी के मुकुट के लिए है। हाँ माम, ले क्या पे? अजीब बेचैनी हो रही है, आखिर ये चल क्या रहा है? बीबी उठो। श्रवणी उठो ना बेटा, श्रवणी पानी। अबे तुम महाराज है कि खलासी, भांग पी के काम कर रहा है क्या? अरे भरके भैया, हमने बिटिया को नहीं देखा, अब हमें क्या पता भगवान में कौन है, हमें कौन बताएगा? आप ही बताइए ना भानु भैया। वो मुझे लगा भगवान में चीनी और पानी है, इसलिए चाशनी के लिए चढ़ा दिया। चीनी और पानी? अबे वो तो नया तय तो पुराना है, इसी भगाने में उबाल देंगे तुझको। बीवी, बीवी आंखें खोलो। बेटा आंखें खोलो। शबनी माँ, कहीं इसने हमको देख तो नहीं लिया था? हमारा नाम ना ले, भैया हमको छोड़ेंगे नहीं। क्या हो गया? हम यहाँ? अरे श्रवणी, तुम भगवाने में गई कैसे? भगवाने में? ताऊ जी, हम तो हड़बड़ा के कॉलेज के लिए निकल रहे थे, फिर हमारा पैर फिसला और हम बेहोश हो गए। शायद उसी समय हम भगोने में गिर गए हों।
हो सकता है। तुम्हीं ने हमें भगोने में बंद किया था ना, ताकि हम कॉलेज ना जा सके और हमारा एडमिशन ना हो। हमने? हाँ तुमने, और भंडारे में भी तुम्हीं ने बंद किया था ना। ताऊजी, ताऊजी अब समय क्या हो रहा है? अरे अभी 4 बज रहा है। 4 बज गए। हम एडमिशन नहीं ले पाएंगे आज। लो, हो गए ना खुश? बंद हो गए सारे ऑफिस, नहीं ले सकते अब हम एडमिशन। यही चाहते थे ना? ये कैसी बात कर रही हैं आप? माना कि हम आपको रोकना चाहते थे दाखिले से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको भगोने में डाल के हम भट्टी में जलने छोड़ देंगे। आप खुद ही हमें बंद करके गई थी कमरे में, उल्टा हमने आपको निकाला भगोने में से। पूछ लीजिए इन सबसे। हाँ, और भाभी आप ना खुद ही गिर गई होंगी उस भगोने में। वो तो ठाकुर जी की कृपा है कि आप सही सलामत बच गई। हमारे भैया की जान ना मुंह तक आ गई थी। बात कर रही है? आज तो तुमने रोक लिया हमें एडमिशन लेने से, लेकिन एक और दिन है हमारे पास। जन्माष्टमी के बाद दंके की चोट पे अपना एडमिशन लेंगे, समझे तुम? और अगर दम है ना, रोक के दिखाओ। कैची जैसी जबान चलती है बहू की। मेहरारू है तुम्हारी, उसे कायदे में रहना सिखाओ। बाबू, इस मकौड़े की वजह से, आज इस मकौड़े की वजह से हम एडमिशन नहीं ले पाए। कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। इस छोटी शादी का सच सबके सामने लाना ही पड़ेगा। जब तक ये हमारी जिंदगी में ना, हम चैन से अपनी जिंदगी जी ही नहीं सकते। कुछ तो है जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है। ये मकौड़े को ना छोड़े नहीं हम। कुछ तो करना पड़ेगा इस मकौड़े का। तुमने ना हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है मकौड़ा कहीं का। मकौड़ा सामने। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे, क्या मतलब है? कमरा है हमारा, सामान लेके आए कमरे में। अच्छा, तो आप कल के बारे में सोच रही है कि हम कल काहे नहीं आए? वो क्या है ना कि कल आप भन्नाई हुई थी, कपकपा रही थी, तो हमें लगा कि आपकी झिझक दूर होने देते हैं। और वैसे भी ना हमारी अम्मा ने कहा है कि बीवी को अकेला नहीं छोड़ते ज्यादा। हम आ गए। चुप, और ऐसे नहीं नहीं नहीं, तुम अब भी निकलो। अरे क्या, नहीं नहीं नहीं, निकलो ऐसे कैसे? नहीं 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 नहीं, हां तुम अभी का भी बाहर निकलो। जब हमारी शादी हुई नहीं तो तुम यहाँ नहीं रह सकते। अरे काहे नहीं हो शादी हमारी? हद है मतलब। वही तो हम कह रहे हैं, हद है। बताओ शादी के बाद पति को कमरे से बाहर निकाल रही हो तुम? ना अलमारी का क्यों बताएं? थैंक यू। ये लीजिए। ये क्या कर रहे हो? हमारे कपड़े क्यों फेंक रहे हो तुम? क्या जबरदस्ती है ये? अरे तो आप साबित कीजिए ना कि हमारी शादी नहीं हुई है। तब तक ये आधा कमरा और आधी अलमारी हमारी। पागल हो गए क्या? ये लीजिए। क्या कर रहे हो? हद हो गई है मतलब। देखो खबरदार, खबरदार, अगर तुमने हमारे कपड़े पे हाथ भी लगाए तो छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे हमने कहा। छोड़ो नहीं छोड़ेंगे।
छोड़ो हमारा, नहीं छोड़ेंगे, छोड़ो हमारा, नहीं छोड़ेंगे। कैसा अशुभ संकेत है, ठाकुर जी के आंखों से आंसू आ रहे हैं। रोते हुए भगवान के साथ यदि आप जन्माष्टमी का उत्सव मनाएंगे तो उनके प्रकोप का कारण आप सब लोग होंगे। आप लोग तुरंत उपाय कीजिए, नहीं तो जन्माष्टमी का उत्सव कैसे मनाएंगे आप लोग। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।